हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपर हैकर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो जो है अब हम देखेंगे आज बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकंड का जो है, बीए पार्ट वन दोस्तों सेमेस्टर सेकंड का जो है सब्जेक्ट सैन्य अध्ययन देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट सैन्य अध्ययन। ठीक है, बीए पार्ट वन सेमेस्टर सेकंड का सब्जेक्ट जो है सैन्य अध्ययन देखेंगे। क्लियर? तो इसमें बच्चों हम लोग पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के जो कलेक्शन दिए हुए हैं वो सारे लेके आए हुए हैं आप लोग के लिए, जिसमें से 100% तो नहीं करेंगे लेकिन 90% जो है इसमें से आएगा आप लोग का। ठीक है, तो ये जो है आप लोग के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है बच्चों, यूनिट 8 का पढ़ेंगे हम लोग, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि इसमें पढ़ेंगे क्या, इंडिया इंडियस वार, इंडिया में जितनी लड़ाइयाँ हुई थी आज़ाद होने के बाद, उस लड़ाइयाँ का वर्णन करेंगे हम लोग कि कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, कौन जनरल था, क्या था, ये सब। ठीक है, और फर्स्ट इंडिया और पाकिस्तान लड़ाई जो हुई थी वो कब हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान बैटल 1947-48 में हुई थी। पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था, इसलिए इंडियन आर्मी को क्या करना पड़ा, जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। उसमें जो है कश्मीर को आजाद कराया गया, हरि सिंह राजा वहां के थे तो कबायलियों ने आक्रमण कर दिया, तो ये जो है इस वजह से ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, 1947-48 की लड़ाई। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं 1962 इंडिया चाइना वार हो गया था, इंडिया चाइना वार हुआ था बच्चों, इंडिया चाइना वार ये भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था, वे भी पढ़ना है हम लोग को, उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, डिटेल्स में। फिर पाकिस्तान से वार हुआ था दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, फिर 1965 में युद्ध हो गया, 47-48 में हुआ, 62 में हुआ, फिर 65 में युद्ध हो गया। ठीक है, ये भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 में, फिर इंडिया और पाकिस्तान युद्ध हो गया। ठीक, फिर 99, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल वार, कारगिल वार हुआ था बच्चों। इन सब के बारे में डिटेल्स हमने आज दिखाएंगे आप लोग को और इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, बहुत अच्छा कलेक्शन आप लोग के लिए लेके आए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा बच्चों, और वीवीआई क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों, की क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, यूनिट 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों। देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, स्वाधीन भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे, मतलब कि स्वाधीन स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ पूछ रहा है कौन थे, बताइए। कमांडर इन चीफ जो थे वो स्वाधीन भारत के कौन थे सबसे पहले, लॉर्ड किचनर, लॉर्ड कार्नवालिस, के एम करियप्पा, वायसराय लॉर्ड कर्जन। तो के एम करियप्पा दोस्तों जो है स्वाधीन भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। ठीक है, के एम करियप्पा याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है ये। ठीक है, सेकेंड नंबर की ओर चलते हैं, भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, सर्वोच्च सेनापति भारत का, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। अब तो बना दिया है सीडी ऑफिसर भी, परंतु बट देखिए यहाँ कमांडर इन चीफ, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का जो है राष्ट्रपति दोस्तों होता है सर्वोच्च कमांडर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, शिमला समझौता, कौन समझौता, शिमला समझौता कब हुआ पूछ रहा है ना, शिमला समझौता किस लिए हुआ था दोस्तों, 1971 की लड़ाई लड़ी गई थी, 1971
71 की लड़ाई लड़ी गई इंडिया और पाकिस्तान से, इंडिया और पाकिस्तान से लड़ी गई। इसमें एक नए देश का जन्म हुआ, पूर्वी पाकिस्तान को जो है आजाद करा के बांग्लादेश का जन्म हुआ था दोस्तों, बांग्ला देश का जन्म हुआ था, ठीक है, बांग्ला देश का, इससे नए देश का जन्म हुआ बांग्लादेश। और इस समय पाकिस्तान के जुल्फिकार भुट्टो जो थे वो पीएम थे और इंडिया की इंदिरा गांधी थी, ठीक है। और इसी के तहत युद्ध विराम हुआ और एक नए देश का गठन हुआ, और उसी के तहत एक शिमला में समझौता हुआ। वही पूछ रहा है कि क्या डेट था शिमला समझौता का, ठीक है। तो यहाँ शिमला समझौता कब हुआ था, 8 जून 1974 को, 3 जुलाई 1972 को, 19 अगस्त 1962 को, 4 अप्रैल 1979 को, बताइए। तो ये था बच्चों 3 जुलाई 1972 को जो है शिमला में समझौता हुआ था। जुल्फिकार भुट्टो अपनी बेटी बेंजूर भुट्टो को भेजे थे और इधर से अपनी पीएम थी, उन्हीं के तहत एक समझौता हुआ, शिमला समझौता, वो 3 जुलाई 1972 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्थल सेना में कितनी कमांड्स हैं? स्थल सेना जो है, थल सेना, उसमें कितने कमांड हैं, यही तो पूछ रहा है कि स्थल थल सेना में कितने कमांड हैं। 4, 6, 3, 7, तो 6 कमांड है। कितने कमांड है स्थल सेना में? 6 कमांड। भाभा परमाणु शोध केंद्र, बार्क, बार्क का फुल फॉर्म देखिए बच्चों क्या होता है, भाभा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, CENTER, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, बार्क का। ये कहाँ है? कलपक्कम में, अहमदाबाद में, कोयम्बटूर में, ट्रॉम्बे में, बताइए। 5 नंबर जो है बच्चों ये ट्रॉम्बे में, कहाँ है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? ट्रॉम्बे में। चलते हैं आगे की ओर क्वेश्चन की ओर, 6 नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा दोस्तों। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल का नाम, प्रथम फील्ड मार्शल पूछ रहा है कौन थे, यही देख रहा है ना, जनरल मानिक शॉ, जनरल जे एन चौधरी, जनरल बी एम कौल और जनरल करियप्पा। तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल दोस्तों कौन थे, जनरल मानिक शॉ थे, जे एन चौधरी थे, बी एम कौल की जनरल करियप्पा, बताइए कौन थे। 6 नंबर का जो है जनरल मानिक शॉ जो है प्रथम फील्ड मार्शल थे दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने किस भारतीय जनरल के समक्ष आत्मसमर्पण किया था? वो कौन सा भारतीय जनरल था जिसके अंडर में जो है पाकिस्तानी सेना, बहुत विशाल सेना, 1 लाख के करीब में जो है 1971 में सरेंडर किए थे। वर्ल्ड में इतने हिस्ट्री में आज तक किसी ने सरेंडर नहीं किया जितने सैनिक भारत के सामने सरेंडर किए। तो वो थे जनरल जी एन चौधरी, जनरल वी के सूद, जनरल बी पी मलिक, जनरल जी एस अरोड़ा, बताइए कौन थे। 7 नंबर हो जाएगा दोस्तों, जनरल जी एन चौधरी के अंडर में पाकिस्तानी सेना ने है जो वो सरेंडर किया हुआ था, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर चलिए, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने किसके नेतृत्व में भारत के सामने समक्ष समर्पण किया? फिर वही क्वेश्चन, पाकिस्तानी सेना ने किसके नेतृत्व में भारत के समक्ष समर्पण किया था? लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद, अब पाकिस्तान का जनरल पूछ रहा है किसके अंडर में पाकिस्तानी सेना सेंड, जनरल जियालुल हक, जनरल ए नियाज, जनरल आगा खान, बताइए। तो ये थे दोस्तों 8 नंबर के जनरल जियालुल हक जो थे इसी के अंडर में समर्पण किया था। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत चाइना युद्ध हुआ था, भारत को नीचा दिखाने के लिए चाइना ने जो है युद्ध छेड़ दिया था कि भारत एशिया में अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाए, इसके वजह से वो युद्ध छेड़ा और अपने आप युद्ध विराम भी किया था। इसी के चलते वो कौन उस समय पीएम थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, गुजारी लाल नंदा थी कि इंदिरा गांधी थी, तो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। भारत चाइना युद्ध के समय जवाहरलाल नेहरू ही थे।
ठीक है, 47 से लेकर अब तक रहा है, 65 तक रहा है, 66 में इंदिरा गांधी बन गई थी उनकी बेटी। वंशवाद चलते आता है कांग्रेस का। भारत पाक युद्ध 1965 में के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत पाक युद्ध 1965 के दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, मुरारजी देसाई, श्री बीपी सिंह। देखिए अब हम बता दे रहे हैं कि भारत पाक युद्ध 47 जब देश आजाद हुआ तो फर्स्ट पीएम कौन बने 47 में? जे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहर लाल नेहरू। तो ये 47 से लेके दोस्तों कब तक रहे? 65 तक, 1965 तक, 47 से लेके 65 तक जो है जवाहरलाल नेहरू पीएम रहे। फिर 66 में जो है, 1966 में इंदिरा गांधी बन गई थी, इंदिरा गांधी जो है ये पीएम बनी थी 66 में। 71 के युद्ध में इंदिरा गांधी ही पीएम थी। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पाक युद्ध 1965 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 10 का ये नंबर हो जाए। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, देखिए भारत चीन युद्ध भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के थल सेनाध्यक्ष थे। भारत चाइना युद्ध 1962 के समय जो है थल सेना अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों कि थल सेना अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग, जनरल मल्होत्रा थे कि जनरल थापर था कि जनरल चौधरी थे कि जनरल सुंदरजी थे? तो जनरल थापर जो है दोस्तों वो थल सेना अध्यक्ष थे। भारत चाइना युद्ध 1962 के समय जनरल थापर जो है अध्यक्ष थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, यही पूछ रहा है। श्री जुल्फिकार अली भुट्टो, जनरल अयूब खां, श्रीमती बेनजीर भुट्टो, जनरल यहा खां। 12 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, ये जनरल यहा खां जो है भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। कौन? जनरल यहा खां। ठीक है, आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के चलते 1965 के भारत पाक युद्ध के समय भारत के थल सेना अध्यक्ष थे। 1965 के भारत पाक जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो थल सेना अध्यक्ष कौन थे, यही कह रहा ना कि थल सेना अध्यक्ष थे जनरल जेएन चौधरी, जनरल अर्जुन सिंह, जनरल एसके मल्होत्रा, जनरल ज्ञान सिंह। बताइए, तो 13 में जो है दोस्तों कौन थे? जनरल जेएन चौधरी। जेएन चौधरी 65 के भारत पाक जब युद्ध हुआ था दोस्तों तो उस समय अध्यक्ष थे, वो थल सेना के क्या थे? अध्यक्ष पद पर नियुक्त थे। आगे की ओर 71 के भारत पाक के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? 71 के भारत पाक के समय, मैंने बताया पिछले वीडियो पिछले क्वेश्चन में कि भारत पाक के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था 71 के युद्ध में? श्री मुरारजी देसाई, श्री चरण सिंह, श्री गुलजारी लाल नंदा, श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी थी बच्चों 71 के युद्ध में, यही बांग्लादेश को आजाद कराई थी। इन्हीं के 71 के काल में ही जो है आपातकाल भी लागू हुआ था, इंदिरा गांधी के काल में। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। भारत पाक युद्ध 1971 ठीक है के समय भारत के सेना अध्यक्ष थे। सेना अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों कि कौन था? ठीक है, कि भारत पाक युद्ध के सेना अध्यक्ष कौन थे, यही कह रहा है ना। तो देखिए सेना अध्यक्ष कौन थे, ये जो है जनरल जीएन चौधरी थे। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, ये जनरल जीएन चौधरी याद कर लीजिए जो है 71 के भारत पाक के सेना अध्यक्ष जनरल चौधरी थे। भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान पाकिस्तानी फौजों के कमांडर पूछ रहा है, जनरल अयूब खां, जनरल यहा खां, जनरल टिक्का खां, जनरल शेर खां। तो जनरल जो है कौन थे? जनरल यहा खां थे दोस्तों। यहा खां पाकिस्तानी फौजों के कमांडर थे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन जो है। भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान बेंगलोर की सेना का नाम था, बेंगलोर की सेना का क्या
क्या नाम था, यही तो है। तो ये क्या नाम था, देखिए हम इस प्रिंटिंग हुआ है, शांति वाहिनी, सत वाहिनी, मुक्त वाहिनी, बेंगलोर की भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान बांग्लादेश की, बांग्लादेश की सेना का नाम, देखिए यहाँ लिख देते हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश की सेना का नाम पूछ रहा है। तो कौन था वो बांग्लादेश की सेना का नाम, शांति वाहिनी, शांति वाहिनी जो है बांग्लादेश की सेना का नाम था। 71 के भारत पाक युद्ध के समय भारतीय पूर्वी कमान के कमांडर थे। 71 के भारत पाक युद्ध के समय पूर्वी कमान का कमांडर कौन था, जेएन चौधरी, हर प्रकाश सिंह, जनरल जेएस अरोड़ा, जनरल अर्जुन सिंह, बताइए। ये थे बच्चों जनरल जेएस अरोड़ा, पूर्वी भारत के कमांडर ऑफिसर थे, ये कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19 नंबर क्या है, क्या रहा है को दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, दिख रहा है, चलिए देखिए। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय पूर्वी क्षेत्र के पाकिस्तानी फौजों को कमांडर थे, शेख मुजीबुर रहमान, टिक्का खां, जनरल दाऊद खां, लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी। पूर्वी क्षेत्र जो पाकिस्तान का था उसी को बनाया गया था बांग्लादेश, और वहीं का गवर्नर पूछ रहा है कि वहीं का कमांडर कौन था, तो वो थे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय पूर्वी क्षेत्र के पाकिस्तानी फौजों का जनरल ए के नियाजी थे। अब चलते हैं आगे, भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के राष्ट्रपति थे, भारत चीन युद्ध 1962 के समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधा कृष्णन, सी आर वेंकट रमन, ज्ञानी जैल सिंह, बताइए। 62 के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय, तो उस समय थे दोस्तों राष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन। 62 में कौन था, राधा कृष्णन थे राष्ट्रपति, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन क्या क्या रहा है दोस्तों, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारत पाक युद्ध 1965 के समय भारत के राष्ट्रपति थे, जब 62 में चाइना युद्ध किया ना, तो पाकिस्तान को लगा कि हम भी हरा देंगे भारत, तो भी 65 में अटैक कर दिया, 65 में अटैक कर दिया भारत पर, और उसकी मुंह की खानी पड़ी, वो हरा नहीं पाया भारत को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राधा कृष्णन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, किसरी बीबी गिरी थे, बताइए। तो 1965 में जो है दोस्तों कौन था राष्ट्रपति, यही पूछ रहा है ना कि 1965 में कौन राष्ट्रपति थे, तो बता सकते हैं आप कौन थे, तो वो हो जाएगा दोस्तों 65 में जो है राधा कृष्णन थे, ये तो हो गया। अब 71 में भारत पाक युद्ध के 71 के समय भारत के राष्ट्रपति थे बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, श्री नीलम संजीव रेड्डी, बताइए। 71 में जो है दोस्तों श्री बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति थे, कौन थे, श्री बीबी गिरी, ठीक है। आगे देखते हैं, 71 में इंदिरा गांधी पीएम थी, बीबी गिरी राष्ट्रपति थे, इंदिरा गांधी पीएम थी 71 में और बीबी गिरी राष्ट्रपति थे, याद कर लीजिएगा, ठीक है। 23 नंबर देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का पहला चेयरमैन कौन था, परमाणु ऊर्जा आयोग जो है उसका पहला चेयरमैन पूछ रहा है दोस्तों कि पहला चेयरमैन कौन है, राजा रमनात्ना, आर चिदंबरम, सी वी रमन, एच जे भाभा। परमाणु ऊर्जा का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया था, तो वो जो है दोस्तों एच जे भाभा, होम जहांगीर भाभा को जो है परमाणु ऊर्जा का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया था, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन इसी तरह, भारत में दूसरी बार नाभिकी परीक्षण कब दिया गया, दूसरी बार नाभिकी परीक्षण पूछ रहा है दोस्तों, कब दिया गया था, 18 मई 1974 को, 18 मई 1988 को, 11 मई 1978 को, 11 मई 1998 को, तो ये दिया गया था बच्चों, कब दिया गया था बताइए, समय ले लीजिए बताइए, तो ये दिया गया था बच्चों 11 मई 1998 को भारत में दूसरी बार नाभिकी परीक्षण का सफल प्रयास किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के
कितने शिखर सम्मेलन अब 2005 तक हो चुके हैं, 2005 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन के कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? 10, 12, 11, 13 बताइए। 25 नंबर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 13 शिखर सम्मेलन 2005 तक हो चुके हैं। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, इसी तरह देखिए 26 क्या कह रहा है दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा 14 दिवसीय युद्ध कहा जाता है? 14 दिवसीय युद्ध कहा जाता है, कश्मीर युद्ध 1948, भारत चाइना युद्ध 1962, भारत पाक युद्ध 1965, भारत पाक युद्ध 1971 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा 14 दिवसीय युद्ध कहा जाता है, कौन सा युद्ध है वो बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर का डी नंबर जो है, भारत पाक युद्ध 1971 का युद्ध जो है 14 दिवसीय युद्ध कहा जाता है। 14 दिवसीय युद्ध किसे कहा जाता है? भारत पाक युद्ध को 14 दिवसीय युद्ध कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर दोस्तों। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना कब हुई? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ था? 1948 में, 1958 में, 1962 में, 1965 में। DRDO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म होगा। इसकी स्थापना पूछ रहे हैं दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों 1958 में। कब हुई थी? 1958 में। चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान अमेरिका हिंद महासागर में किस नौसैनिक बेड़े का प्रदर्शन किया? कौन सा बेड़ा जो था वो प्रदर्शन किया? ठीक है, तो पांचवा बेड़ा था, छठवा बेड़ा था, सातवां बेड़ा था, आठवां बेड़ा था। बताइए 71 के युद्ध में कौन सा बेड़ा का प्रदर्शन भारत जो है, अमेरिका जो है किया था? वो था दोस्तों सातवां बेड़ा। सातवां बेड़ा हिंद महासागर में लाया था अमेरिका। ठीक है, यहां देखिए, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोत्तम सेनापति कौन है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, सेनाध्यक्ष, राष्ट्रपति, बताइए कौन होगा? तो ये होगा दोस्तों, तीनों सेनाओं का कमांडिंग ऑफिसर कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ बताइए, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 61 में, 62 में, 64 में, 65 में। तो 62 में आक्रमण किया था, कब किया था? 62 में भारत पर आक्रमण किया था चाइना। ठीक है, अब देखिए यहाँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए यहाँ, भारत में कहाँ थे हम? अब देखिए बच्चों यहाँ कि क्या कह रहा है कि भारत बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया था? किस वर्ष वह अस्तित्व में आया बांग्लादेश? यही पूछ रहा है ना क्वेश्चन कि बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में आया, 31 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 65 में आया था कि 70 में आया था कि 71 में कि 72 में? तो भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो पूर्वी पाकिस्तान को निकाल के बांग्लादेश को अलग बनाया गया, पीछे मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है 71 के युद्ध में जो है बांग्लादेश अलग राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ। ठीक है, भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय 71 में इंदिरा गांधी PM थी भारत की, जुल्फिकार भुट्टो पाकिस्तान के PM थे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? प्रथम परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण से किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में दोस्तों। तो ये जो है, सॉरी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं थी, दूसरे किसी की थी। 18 मई 1974 को, 7 जून 1974 को, 20 अक्टूबर 1962 को, 30 जनवरी 1965 को, कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों
कब किया गया था? तो ये किया गया था 18 मई 1974 को भारत में प्रथम बार परमाणु परीक्षण किया गया था। भारतीय नौसेना के प्रथम विमान वाहक पोत का क्या नाम है? INS विराट, INS विक्रांत, INS राणा, INS मैसूर। ध्यान दीजिएगा, सभी हैं, लेकिन जो है इसमें पूछ रहा है प्रथम विमान वाहक पोत, पूछ दिया है क्वेश्चन में प्रथम विमान वाहक पोत कौन था? INS विक्रांत। INS विक्रांत से ही जो है तोड़ तोड़ के विक्रांत गाड़ी एक लाई गई थी, उस जहाज को अब रख दिया गया है, ठीक है, उसको बेच दिया सरकार, उसको हटा दिया INS विक्रांत को, तो बहुत पुरानी है, उसी समय से प्रथम विमान वाहक पोत है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन का क्या रहा है दोस्तों, ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ, ध्यान दीजिए, भारतीय वायु सेना का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, वायु सेना का मुख्यालय पूछ रहा है, बेंगलोर में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, बताइए वायु सेना का मुख्यालय कहाँ पे है, कोई बता सकते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों, वायु सेना का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, नौसेना का भी नई दिल्ली में है, वायु सेना का भी नई दिल्ली में ही। भारत पाक के बीच प्रथम युद्ध कहाँ लड़ा गया था? प्रथम युद्ध कहाँ लड़ा गया था ये पूछ रहे ना, पंजाब में, बांग्लादेश में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, बताइए प्रथम युद्ध जो लड़े थे हम लोग पाकिस्तान से वो कहाँ लड़े थे? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, कबायलियों ने राजा हरि सिंह के राज्य में आक्रमण कर दिया था 47-48 में, 47-48 में लड़े थे, 1947 में आजाद हुआ, 48 में जो है युद्ध हम लोग लड़े थे, ठीक है, प्रथम बार जम्मू कश्मीर पर ही जो है कब्जा कर रहा था कबायलियों ने, पाकिस्तानी कबायलियों ने आक्रमण, इससे आजाद करके हम लोग नए जम्मू कश्मीर को आजाद किए, ठीक है। कारगिल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, वर्ष पूछ रहा है, तो 65 में, 71 में, 99 में, 2000 में, तो ये 99 में था बच्चों, इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, कारगिल में ऊंची चोटी पर दुश्मन बैठा था, नीचे से हम लोग को अटैक करना था, इससे उन लोग को आसानी हो रही थी, वो युद्ध हम लोग जीत नहीं पाते, लेकिन अपने वीर सैनिक की वजह से हम लोग जो है वो युद्ध जीत पाए, और वायुसेना का अहम रोल भी था उस कारगिल युद्ध में, ठीक है। तो 99 का युद्ध जो है कारगिल का युद्ध माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, कारगिल युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री का नाम पूछ रहा, भारत का रक्षा मंत्री उस समय कौन था? जसवंत सिंह थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, एलके आडवाणी थे, कि इनमें से कोई नहीं? तो जॉर्ज फर्नांडिस जो है रक्षा मंत्री थे दोस्तों, कौन थे? रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जो है रक्षा मंत्री थे, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कि स्वतंत्र भारत के प्रथम सेना अध्यक्ष का नाम बताइए, सेना अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्र भारत के, यही पूछ रहा है ना कि स्वतंत्र भारत के सेना अध्यक्ष का नाम, तो वो जन बेउर, जन करियप्पा, जनरल करियप्पा, जन सुंदर जी और जन मानिक शाह, तो जनरल करियप्पा जो है दोस्तों वो प्रथम सेना अध्यक्ष थे, कौन थे? जनरल करियप्पा। मंत्रिमंडल की प्रतिरक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिमंडल जो होता है उसकी प्रतिरक्षा समिति होती है, उसका अध्यक्ष पूछ रहा है कौन होता है, प्रधानमंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, स्थल सेना अध्यक्ष? दे मंत्रिमंडल जो होता है, ठीक है, तो उसकी प्रतिरक्षा समिति होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रतिरक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, स्थल सेना अध्यक्ष, तो कौन होगा दोस्तों? 39 का क्या हो जाएगा, 39 का ये हो जाएगा ए नंबर, प्रधानमंत्री, कौन होता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल की प्रतिरक्षा समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, ठीक है। आगे देखिए, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया, चाइना जो है भारत पर कब आक्रमण किया था ये पूछ रहा है, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, तो ये जो है दोस्तों
1962 ईस्वी में चाइना जो है भारत पर आक्रमण किया था, 1962 में भारत चाइना युद्ध। बांग्लादेश किस वर्ष अस्तित्व में है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 1965 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1979 में। इसका डिटेल्स मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो बांग्लादेश जो आज़ाद हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान को जो है हटा के आज़ाद किया गया, 71 में इंदिरा गांधी पीएम थी, तो ये जो है दोस्तों 71 में आज़ाद हुआ। किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो 71 में जो है बांग्लादेश अस्तित्व में आया, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो है वो कब किया गया, प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया, 18 मई 1974 को, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, 7 जून 1974 को, 10 अक्टूबर 1962 को, 30 जनवरी 1965 को। तो 18 मई 1974 को जो है दोस्तों प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था भारत में, ठीक। आगे देखिए 43, भारत पाक युद्ध लड़ा गया कब, 1985 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था दोस्तों, कब लड़ा गया था भारत पाक युद्ध, लड़ा गया कब, 65 में लड़ा गया था, ठीक है। 44, स्वतंत्र भारत के सेना अध्यक्ष कौन थे, जनरल बेउर, जनरल करियप्पा, जनरल सुंदरजी, जनरल मानिकशा, बताइए। रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, सब बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा और लर्न भी हो जाएगा, सारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। स्वतंत्र भारत के सेना अध्यक्ष जो थे दोस्तों जनरल सुंदरजी थे, कौन थे, जनरल सुंदरजी, सॉरी सुंदरजी नहीं दोस्तों, ये जनरल करियप्पा, पिछले में मैंने करियप्पा ही पढ़ा चुका है, ठीक है, तो रॉन्ग हो गया, ये हो जाएगा बी नंबर, जनरल करियप्पा, ठीक है, सही कर लीजिएगा, जनरल करियप्पा प्रथम भारत के सेना अध्यक्ष का नाम है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, स्वतंत्र भारत के सेना अध्यक्ष तो पढ़ लिए, करियप्पा जी थे, किस भारत, आगे देखिए, किस भारत को प्रक्षेपास्त्र पुरुष मिसाइल मैन कहा जाता है, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI है, मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है, मिसाइल के क्षेत्र में वो बहुत अग्रणी थे, बहुत अच्छे थे और वो एक साइंटिस्ट भी थे, ठीक है। तो मिसाइल मैन किसको जाना जाता है, HJ भाभा को, राकेश शर्मा को, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, G राघवन को, तो APJ अब्दुल कलाम को दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे और बहुत अच्छे व्यक्ति भी थे, ठीक है। आगे देखिए, भारत पाक युद्ध 1971 का युद्ध के निर्णायक युद्ध की वास्तविक तिथि क्या थी, निर्णायक युद्ध जो हुआ था वो कब, किस डेट को था, लास्ट युद्ध जब चरम पर था, हार जीत की मुहाने पर, उस चीज के बारे में पूछ रहा है, कब था निर्णायक, 8 सितंबर 1971 को, 12 अक्टूबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को, 18 दिसंबर 1971 को। तो निर्णायक युद्ध जो था दोस्तों 46 नंबर हो जाएगा, सी नंबर, 3 दिसंबर 1971 को निर्णायक युद्ध हुआ था भारत और पाक के बीच, वास्तविक तिथि थी 3 दिसंबर 1971 को, ठीक है। आगे चलिए, भारत पाक युद्ध 1971 के समय भारत के रक्षा मंत्री थे, भारत पाक युद्ध के समय 1971 के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, यही पूछ रहा है ना, मुरारजी देसाई, जगजीवन राम, प्रणब मुखर्जी, श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत पाक युद्ध 1971 के समय भारत के रक्षा मंत्री जो थे दोस्तों वो कौन था, यही पूछ रहा है ना, तो देखिए यहाँ जगजीवन राम जो है भारत पाक युद्ध 1971 के समय रक्षा मंत्री थे, जगजीवन राम, कौन, जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, उनकी बेटी है मीराबाई, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, मीरा कुमारी, मीराबाई नहीं सॉरी, मीरा कुमार, ठीक है। आगे देखिए, भारत पाक युद्ध 1971 के समय पाकिस्तान के जनरल थे, 71 के युद्ध के समय जो है पाकिस्तान के जनरल पूछ रहा है, उस समय कौन थे, अयूब खां, जियाउल हक, याहा खां,
इनमें से कोई नहीं, बताइए। 48 का हो जाएगा दोस्तों, यहा खां जो है 1971 में भारत पाकिस्तान के समय जनरल थे वो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए यहाँ, भारत पाक अधिकारियों द्वारा ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ताशकंद समझौता हुआ था, कब हुआ था ये, ठीक है। तो ये समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, तो ये समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया, सिग्नेचर जो है इस पर कब किया गया था, यही पूछ रहा है, इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ, 10 जनवरी 1966 को, 26 नवंबर 1965 को, 4 जनवरी 1967 को, 5 अगस्त 1965 को। तो 10 जनवरी 1966 को जो है दोस्तों भारत पाक अधिकारियों के बीच ताशकंद के समझौते हुए थे, उन्हीं के बीच 10 जनवरी 1966 को इस समझौते का अंगीकार किया गया, लाया गया, ठीक है। शिमला समझौते के दस्तावेज पर दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, शिमला समझौते के जो समझौता हुआ था, शिमला समझौता 71 की युद्ध के बाद, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद बांग्लादेश जो देश बना था, शिमला समझौता के अंतर्गत ये शांति स्थापित हुई, शिमला में समझौता हुआ, इंदिरा गांधी जुल्फिकार भुट्टो उनके नेतृत्व में हुआ, तो ठीक है। तो ये कब जो है हस्ताक्षर किए गए थे, हस्ताक्षर डेट पूछ रहा है, कब था इसका बताइए। तो ये डेट था बच्चों कब, देखिए यहाँ, 3 जनवरी 1972 को, 3 दिसंबर 1971 को, 18 जून 1966 को, 3 जुलाई 1972 को। रिपीट क्वेश्चन आ रहा है, 3 जुलाई 1972 को, पहले भी इसका डिटेल्स मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो भारत एवं पाक का प्रथम युद्ध विराम कब हुआ, प्रथम युद्ध विराम कब हुआ था, 10 जनवरी 1948 को, 1 जनवरी 1949 को, 20 जनवरी 1948 को, 11 दिसंबर 1949 को, बताइए। भारत एवं पाक का प्रथम युद्ध विराम जो हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था, यही कह रहा ना, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को जो है भारत और पाक का प्रथम युद्ध विराम हुआ था ये, ठीक है। शिमला समझौता किन किन राष्ट्रों के मध्य हुआ, वो कौन कौन से राष्ट्र थे जिनके मध्य शिमला का समझौता हुआ था, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, भारत बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, ठीक। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है शिमला समझौता हुआ था, भारत और पाकिस्तान के मध्य, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन आगे की ओर देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, शिमला समझौता किन किन राष्ट्रों के मध्य हुआ, तो भारत और पाकिस्तान। अब जो है कुछ पुस्तक के नाम दिए हैं, ठीक है, वो पुस्तक कौन लिखे हुए हैं, किसके द्वारा लिखी हुई है, और पुस्तक के नाम हमेशा दो चार पूछते ही हैं, तो पुस्तक के नाम आप पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पुस्तक के नाम जो है दोस्तों हम बताएंगे आप लोगों को कि पुस्तक का नाम कौन कौन सा क्या है, ठीक है। पुस्तक के नाम हम डिटेल्स में देंगे अभी आप लोग को, थोड़े से पुस्तक कुछ दिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ, इंडियन आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक कौन है, क्लाइव मेजर अल्फ्रेड डेविड, एस टी दास गिलवर्ट, बताइए। इंडियन आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक कौन है, यही पूछ रहा है ना, तो बताइए इंडियन आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। इंडियन आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा बी नंबर, मेजर अल्फ्रेड डेविड जो है इंडियन आर्ट ऑफ वार की पुस्तक के लेखक। अब ठीक है, इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है, इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पुस्तक किसने लिखी है, के पालित, एस टी दास, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, अल्फ्रेड डेविड, के वी बैद, बताइए कौन होगा। 54 का दोस्तों ये हो जाएगा बी नंबर, एस टी दास जो है इट्स हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पुस्तक जो है कौन लिखा है, एस टी दास, एस टी दास, ठीक है। इंडियन एंड द इंडियन ओशियन पुस्तक के लेखक कौन है, इंडियन एंड द इंडियन पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछ रहा है ना। तो देखिए यहाँ, के एम पणिकर, के बी वैद, डॉक्टर डी के पालित, एस टी दास, कौन थे इंडियन एंड द इंडियन ओशियन पुस्तक के लेखक, ये 55 नंबर का क्या हो जाएगा, के एम पणिकर जो है दोस्तों ये
इंडियन एंड द इंडियन पुस्तक के लेखक हैं। आर्ट ऑफ कर इन एनिशिएटिव इंडिया के लेखक कौन है? आर्ट ऑफ वार इन एनिशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर पीसी चक्रवर्ती, मेजर श्यामलाल, जीएफसी फुलर, डीके पाली, कौन है? 56 का हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, डॉक्टर पीसी चक्रवर्ती। कौन है? आर्ट ऑफ वार इन एनिशिएंट इंडिया के लेखक कौन है? पीसी चक्रवर्ती। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जनरलशिप ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, जनरलशिप ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, पुस्तक के लेखक कौन है? जनरलशिप ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? बी के मजमूदार, अनुनाथ सरकार, जे एफ सी फुलर, आई इरविन, ठीक है। तो जनरल कौन थे? जनरलशिप ऑफ द अलेक्जेंडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 57 का हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, जे एफ सी फुलर। जनरल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट पुस्तक के लेखक कौन है? जे एफ सी फुलर। ठीक है, आगे देखिएगा, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? अर्थशास्त्र, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिका, बाबरनामा। मेगास्थनीज कौन पुस्तक लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। मेगास्थनीज कौन पुस्तक लिखा था? इंडिका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आगे देखते हैं क्वेश्चन। वीपन्स एंड टैक्टिस, भैया वीपन्स एंड टैक्टिस पुस्तक के लेखक हैं ब्रिंटग्रम, ग्लीबर्ट, ए ब्रिंक, क्विंसी ब्राइट। वेपन्स एंड टैक्टिस पुस्तक के लेखक दोस्तों जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कौन थे? वो हो जाएगा ब्रिंटग्रम। ब्रिंटग्रम जो है वेपन्स एंड टैक्टिस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ टैक्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? इवोल्यूशन ऑफ टैक्टिस पुस्तक के लेखक, ठीक है, मॉरिस, क्लॉट्स, लिबर्ट, हेडरसन। 60 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ग्लीबर्ट। ग्लीबर्ट जो है इवोल्यूशन ऑफ टैक्टिक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है आपका। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, थैंक यू सो मच।